हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और गेम प्ले आप सबका वेलकम है। अच्छा गाइस, ये वाला गेम प्ले ना मैंने जहाँ पे लास्ट गेम प्ले छोड़ा था ना वहीं से ही हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि मैं थोड़ी बहुत गेम जो है वो पर्सनली खेल लेता होता हूँ ताकि कुछ रिपीटेटिव या फिर बोरिंग सी चीज़ें जो है रिपीट ना। लेकिन अभी हमने पिछले गेम प्ले में थोड़ा सा सेटअप किया था न्यू कॉटन वाला, तो उसके पेश नज़र मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये गेम प्ले जो है वो वहीं से ही कंटिन्यू करूं। बिकॉज हमने जो है वो गाइस यहाँ पे कॉटन प्लांट करनी थी और इस सीरीज़ में फ़र्स्ट टाइम होने वाला था, सो आई थॉट कि इट्स बेटर दैट आई शुड स्टार्ट गेम प्ले यहाँ पे हमने छोड़ा था। एनीवेज, तो मैंने पिछले गेम प्ले में भी आप लोगों से बोला था कि यहाँ पे बेसिकली ये जो दो छोटे फील्ड्स हैं इनके ऊपर मैं कनोला प्लांट करने जा रहा हूँ। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद मैं आगे चल के जो वो ऑयल मिल परचेज कर लूँ, बट दूसरी जो मेजर रीज़न है वो यही है कि जस्ट फॉर अ चेंज मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ जो है वो प्लांट करें। तो ऐसे ही जो है वो मैं कनोला प्लांट करूँ, बिकॉज कनोला इटसेल्फ मेरे ख्याल से सेकेंड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो ये भी एक मतलब के फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे छोटे से छोटे दो बेसिकली हमारे पास फील्ड हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है कनोला प्लांट कर देते हैं। इसके अलावा जो वो हमारी हार्वेस्टर है वो बड़े वाले फील्ड में एंटर हो चुकी है और वो हार्वेस्ट कर रही है। तो जो हमारा जॉनडियर वाला ट्रैक्टर है ना, बेसिकली उसके पीछे मैंने अटैच कर रखा है जो प्लांटर है कॉटन वाला, ठीक है। सो वो वाला ट्रैक्टर जो है वो ऑफकोर्स आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे कॉटन प्लांट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्लांटर मैंने परचेज़ किया है बेसिकली जो कि DLC वाला है, तो मेरे ख्याल से किनसे ब्लू बर्ड उसका नाम है, तो उसकी एबिलिटी ये है कि वो डायरेक्ट सीड कर देता है, ठीक है। तो ये मतलब एक उसका प्लस पॉइंट है, तो ये भी मतलब कि एक अच्छी चीज़ है। तो कॉटन जो है वो फिर हम उसी से ही प्लांट करेंगे। तो मैं बेसिकली वेट कर रहा हूँ कि हार्वेस्टर जो है वो बेसिकली हमारी थोड़ी सी आगे निकल जाए, तो फिर ही मैं प्लांटर लेके जो है वो उसके पीछे पीछे चलूं, क्योंकि प्लांटर बड़ा है और फिर उसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो कैचअप कर लेगा बहुत जल्दी हार्वेस्टर को। तो यहाँ पे हम लोग ओके हार्वेस्टर भी भरने वाली है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि फिर ये ट्रेलर ले चलता हूँ हार्वेस्टर के पास और हम लोग जो है वो हार्वेस्टर को एम्प्टी कर लेते हैं एक दफ़ा, और फिर इसके बाद जो है वो इसी ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए यहाँ पे ऑलरेडी इसमें जो है वो सोयाबीन है। सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें सोयाबीन है, सो मे बी चलो ले ही चलता हूँ, कौन सा वहाँ पे ये फुल हो ही जाएगा ट्रेलर। तो मैं सोच रहा था कि पहले इसको एम्प्टी कर लेते हैं, फिर बाद में याद आया कि हम तो सोयाबीन हार्वेस्ट कर रहे हैं और जो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि इसका यील्ड बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हार्वेस्टर हमारी ब्रेक नहीं लगाएगी। चलो जी, अब इसको चलने देते हैं आगे, एक दफ़ा ये मुड़ ही ले फिर इकट्ठी जो है वो इसको खाली कर दें, क्योंकि ये इस गेम में जो है वो हार्वेस्टर्स कोई इतनी कोऑपरेटिव नहीं है, ब्रेक श्रेक कोई नहीं लगाती इतनी जल्दी। ये देखो ब्लॉक ही हुई है तो रुकी है, वरना वो जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चल रही थी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो जाए, अनलोडिंग नहीं हुई। चलें जी, ये अनलोडिंग हो रही है। अरे यार बड़ी जल्दी स्पीड से भर रहा है ये तो, ठीक है मेरे ख्याल से ओके हो गया गाइस। तो अब इस ट्रैक्टर ट्रेलर को बेसिकली मैं यहाँ पे पार्क कर दूंगा यहीं पे ही इसके करीब हार्वेस्टर के, ताकि अगर हमारी हार्वेस्टर दोबारा अगर भरती है, जिसकी मुझे उम्मीद तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर दोबारा भरती है तो हम इधर ही जो है वो उसको अनलोड कर सकें कुछ ना कुछ। तो अब हम इसी ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और जो बेसिकली प्लांटर हमने डिसकनेक्ट किया था उसी को हम लोग जो है वो कनेक्ट करेंगे इस ट्रैक्टर के साथ। तो देन अच्छा, एक भाई साहब जो हैं जो कि कमोबेश तकरीबन हर वीडियो के नीचे मेरे कमेंट कर रहे हैं कि फेंट का ट्रैक्टर लो, भाई आपके कमेंट जो है वो मुझे याद है अच्छी तरह से। तो अभी मैं ट्रैक्टर जो है वो अपग्रेड करूँगा, जल्दी करूँगा, बट अभी हमारी जो सिचुएशन है फाइनेंशियल वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग जो है वो इंस्टेंटली जो है वो ट्रैक्टर अपग्रेड कर सके, क्योंकि प्रायोरिटीज़ फ़िलहाल थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हमने यहाँ पे आगे चल के जो है वो
कॉटन हार्वेस्टर परचेज़ करने, और वो काफ़ी कॉस्टली है, तो मैं नहीं चाहता कि अब जो है वो मैं ट्रैक्टर अपग्रेड कर लूँ और फिर बाद में हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं। जैसे ही हमने ये कॉटन हार्वेस्टर ले लेना, तो पहली फुर्सत में यही काम होगा कि हम लोग जो है वो मैं बेसिकली फेंट का ट्रैक्टर ले लूँगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी ज़रा सी भी। सो चिल सीन है गाइस, कोई मसला नहीं है और ज़रूर हम लेंगे। तो यहाँ पे सीट चेंज कर लेते हैं, बेसिकली कॉटन का हमने सीट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग जो है वो इसको अनफोल्ड करते हैं जी। तो ये इसके अनफोल्डिंग की एनिमेशन भी बड़ी गाइस यूनिक सी है, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मेरे ख्याल से अब तो मुश्किल है कि ये सीडर बेसिकली कैच अप नहीं कर पाएगा हार्वेस्टर को। पहले मैंने इसलिए इसको जल्दी लेके नहीं आया था इस फील्ड में, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये कैच अप कर लेगा। चलें जी, बस इस सीडर की बेसिकली प्लांटर की एक ही डाउनसाइड है कि इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डलता। तो फर्टिलाइज़र बेसिकली अभी हमें अभी भी करना पड़ेगा और इसके बाद एक दफ़ा फिर से करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली है ना प्लांटर, अगर आप डायरेक्ट सीड वाला सीडर यूज़ करते हो तो ये आपका बेसिकली है ना गेम खेलने का जो एक पैटर्न है ना उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो मेरा तकरीबन कह लो कि बस यही कंसर्न है, यही प्रॉब्लम है इस वाले प्लांटर को लेके। बट खैर, हर चीज़ गाइस परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर हर चीज़ परफेक्ट हो तो फिर लाइफ में जो है वो चैलेंज ही नहीं रह जाएगा किसी चीज़ का भी, तो वो भी बोरिंग हो जाएगी। सो आई एम फाइन, मुझे कोई इतना जो है वो परवाह नहीं है कि इसमें जो है वो फर्टिलाइज़र डालते हैं या नहीं। अच्छी बात है, हम लोग जो है वो इसका अल्टरनेटिव देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई काउज होती हैं या कोई और एनिमल होता, तो मैं जब मैंने ये प्लांटर यूज़ करना था तो मैंने उससे पहले जो है वो स्लरी या फिर मैनर स्प्रेड कर लेना था इसी फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो वो एक देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से इतनी हमारी जो है वो एक्टिविटी बेसिकली बन जानी थी यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज आप लोग देख ही सकते हो कि रेंज भी इस वाले प्लांटर की जो है वो अच्छी खासी है। तो ऊपर से ड्राइव भी मैं खुद कर रहा हूँ, AI भी नहीं ड्राइव कर रहा, तो जल्दी जल्दी से हम टर्न भी ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि तकरीबन ऑलमोस्ट आधा फील्ड हमने प्लांट कर भी दिया है कॉटन, और आपके सामने ही है कि कितना कम टाइम जो है वो लगा है। सो, ये एक मतलब कि अगेन इसका प्लस पॉइंट है कि आपको एक अच्छी खासी और तगड़ी किस्म की जो है वो रेंज देखने को मिल जाती है इस वाले सीडर या प्लांटर के साथ। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे हेल्पर हायर कर दूंगा और दूसरे जो ट्रैक्टर हैं उसका स्टेटस जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि वो बेसिकली अभी क्या कर रहा है, और साथ ही साथ हार्वेस्टर का भी स्टेटस चेक कर। सो हार्वेस्टर एज आई एक्सपेक्टेड, भरना तो दूर की बात है, आधी भी नहीं हुई है अभी तक हमारी, तो थैंक्स टू सोयाबीन। और ये वाला जो ट्रैक्टर है ये भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो ये बस इसके बाद जो है वो बेसिकली मैं इसके साथ जो है वो स्प्रेयर कनेक्ट कर दूंगा, तो ताकि हम लोग जो है वो भीड़ ख़त्म कर सकें। और जो फिर दूसरा बड़ा फील्ड है वहाँ पे भी मैं कॉटन अभी प्लांट कर लेता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ बिल्कुल थोड़ी देर तक। जून का मंथ आ चुका है गाइस, और आप लोगों को पता है जून के मंथ में क्या होता है। तो जून के मंथ में जो है वो सोयाबीन की प्राइस हाई होती है। सो अब हमारी हार्वेस्टर जो हमने कॉटन वाली परचेज़ करनी थी उसका सारे का सारा स्टैक जो है वो सोयाबीन के ऊपर है। तो क्या हमारे पास जितनी सोयाबीन है वो इतने पैसों की बिक पाएगी कि हम लोग जो है वो उससे एक कॉटन हार्वेस्टर जो है वो परचेज़ कर सकें। सो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन गाइस। तो अभी हम लोग, मैं बेसिकली जा रहा हूँ सीधा, मेरे ख्याल से मेरा ट्रेलर जो है वो इधर ही पड़ा हुआ था कहीं। सो इधर ही था, या मैं गलत तो नहीं जा रहा? हाँ बिल्कुल गाइस, तो ट्रेलर जो है वो हमने, क्योंकि इस फील्ड में भी सोयाबीन प्लांट करी थी तो वो भी बेसिकली मैंने हार्वेस्ट कर ली है। सो अब जो है वो ट्रेलर वहाँ से उठाना है हमने। तो वहाँ पर बेसिकली ट्रेलर इसीलिए लेके गया था क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली हार्वेस्टिंग हम कर रहे थे, तो इस वजह से वहाँ पे हमें जो है वो ज़रूरत है ट्रेलर की। सो ये ट्रेलर हमारे सामने नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि हमारी कॉटन जो है वो अभी तक रेडी टू हार्वेस्ट नहीं हुई। यस गाइस, कॉटन हमारी जो है वो स्टिल ग्रो कर रही है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इट्स नॉट रेडी टू हार्वेस्ट येट, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम करने वाला है अभी के लिए
वो ये है कि हमने ये, अच्छा प्राइस चेक कर लेते हैं कहाँ पे अच्छी मिल रही है, अगर तो नॉर्थ वाले पे मिल रही है तो हम अभी इधर ही सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन, तो यहाँ पे ओके नॉर्थ वाले पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सो अभी क्योंकि हम नॉर्थ वाले सेलिंग स्टेशन के करीब हैं तो इधर ही इसको सेल करते जाते हैं, बाद में फिर जो है वो बाकी की जो है वो हम लोग जो है वो दूसरे सेलिंग स्टेशन पे सेल कर देंगे क्योंकि वो हमारे ज़्यादा करीब है। सो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ वाला हमारे फ़िलहाल करीब पड़ रहा है तो ये वाला ट्रेलर हम लोग जो है वो नॉर्थ वाले सेलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो सेल कर देते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि ये वैसे तक फुल तो नहीं है, थोड़ा सा अभी रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्रेड भी हमारे अच्छे खासे प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इनको भी अभी हमने आके पिक करना है, वरना मेरे ख्याल से इनकी प्रोडक्शन रुक चुकी होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी है। ओके गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सो लेट्स सी कि कितने का ये हमारा ट्रेलर जो है वो बिकता है। अच्छे पैसे आने चाहिए फिर ही हमारा जो है वो काम बनेगा, वरना तो फिर काम खराब होगा। नॉट बैड नॉट बैड, $76,050। ओके अबे यार बिल्कुल अंधी ट्रैफिक जो है वो इस गेम की बनाई हुई है जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने। ओके तो अभी हम हैं जी ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब करीब, और हमें चाहिए तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख मज़ीद हमें चाहिए। सो बड़ा डिफरेंट या डिफ़िकल्ट होगा गेस कर पाना कि हम कितने पैसे जो है वो बेसिकली अर्न कर पाएंगे, जो बेसिकली हमारे पास साइलों में पड़ी हुई है सोयाबीन, उससे हम मज़ीद कितने पैसे निकाल पाते हैं। सो लेट्स गो गाइस, और वहाँ पे चल के अभी हमें पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो गाइस, अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, लगता तो है कि इजीली हो जाएंगे बट लेट्स सी, फिर भी देखना पड़ेगा अभी हमें। तो अभी मैं जो है वो बिल्कुल सीधा साइलों के पास जा रहा हूँ अपनी, और वैसे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हम लोग ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये कनोला जो है ये भी ग्रो कर रहा है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तो हम सस्ते दामों ये कनोला जो है वो सेल कर देंगे। पर मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत कहीं पे भी पड़ने वाली है, आई थिंक कि हमारा जो है वो काम बन जाएगा जो हमारे पास सोयाबीन है उससे ही। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट गाइज, और जल्दी जल्दी से ये वाली सोयाबीन जो है वो सेल करते हैं जो भी पड़ी हुई है हमारी साइलों में। तो ये इस बार ट्रेलर अब हम फुल भर के लेके जा रहे हैं, सो लेट्स सी क्या बनता है। यार वैसे इस ट्रेलर की कैपेसिटी कितनी है, मैं अभी तक जो है वो बेसिकली इसी को लेके बड़ा कंफ्यूज हूँ, कहाँ पे गए जी ट्रेलर। तो ये वाले ट्रेलर की 24,500, मुझे लगा था शायद इसकी 27,000 या 28,000 लीटर कैपेसिटी है। अबे यार ये तो बिल्कुल हाथ ही कर गया हमारे साथ ट्रेलर, बड़ा ट्रेलर लेना चाहिए यार ये तो, मतलब 24,000, मतलब भर जल्दी जाता है। सो बंदे को ऐसे वाइब आती है कि यार मेरे पास बहुत है, जो भी मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो मुझे तो अभी पता चल रहा है कि इसकी सिर्फ 24,000, मतलब अभी देखो 3,000 लीटर से कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट फिर भी यार मेरे माइंड में यही था कि ये 27,000 या 28,000 लीटर इस ट्रेलर की कैपेसिटी है। शॉकिंग मेरे लिए टू डिस्कवर के इसकी सिर्फ 24,500 लीटर कैपेसिटी है। ओके कोई बात नहीं, अभी मेरे ख्याल से अगर थोड़े से भी पैसे बचे ना तो ये काम तो मैं सबसे पहले करूँगा, इस ट्रेलर को अपग्रेड करूँगा। हद है यार सिर्फ 24,500 लीटर का ट्रेलर। चलें जी गाइस, ये अभी ट्रेलर हम फुल भर के लेके आए हैं, सो लेट्स सी के 24,500 लीटर में क्या मिलता है हमें। और ये हमें मिले हैं जी 85 मिले हैं, तो यस गाइस बिल्कुल इजीली हम लोग जो है वो कर लेंगे मैनेज। बट गाइस याद रखे रहे कि अभी हमने जो है वो बेसिकली वो भी परचेज करना है, बेल उठाने वाला ट्रेलर जो होता है, कॉटन बेल पिक करने वाला ट्रेलर। अब जाहिर सी बात है डबल वाला तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें ट्रक भी परचेज करना पड़ेगा, और हालत ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो हार्वेस्टर के पैसे कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है।
सो डबल बेल पिकर वाला जो मतलब दो बेल उठाता है वो वाला तो नहीं ले पाएंगे। क्या यार नाम था उसका, लिजर्ड के ब्रांड से है बेसिकली। लिजर्ड कोई ब्रांड नहीं है रियल, वो जायंट सॉफ्टवेयर वाले खुद ही जो है वो ऐड कर देते हैं अगर कोई ब्रांड जो है वो नहीं मानता है तो। वो जायंट सॉफ्टवेयर वाले उसको यहाँ उस तरह की कोई प्रोडक्ट जो है वो लिजर्ड के नाम से ऐड कर देते हैं, मॉड्यूल एक्स मेरे ख्याल से ऐसे करके। हाँ लिजर्ड मॉड्यूल X2 ऐसे करके कुछ है। चलें जी सेकंड ट्रेलर, और मुझे लगता है कि इस ट्रेलर के बाद हमारे पैसे जो है वो शायद पूरे हो जाएं, होने तो चाहिए। मैथ मेरा वैसे वीक है यार, मैं ना थोड़ा सा रोड फॉलो नहीं करूँगा टाइम बचाने के लिए, ऐसे बीच में से ही जो है वो घुसेड़ दूँगा, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। मैं आपका और अपना दोनों का ही जो है वो यहाँ पे बेसिकली टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे अब हमारे मोस्ट लाइकली पैसे जो है वो हो चुके हैं। अब इसके बाद जो सोयाबीन मैं सेल करूँगा वो इसलिए करूँगा क्योंकि एक तो हमने जो है वो बेसिकली ट्रेलर लेना है बेल उठाने वाला, और दूसरा भाई हमने फार्म भी रन करना है तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। तो वैसे तो अभी हमारे पास 17,000 एक्स्ट्रा हैं, बट फिर भी मैं बाकी की भी जो सोयाबीन है वो भी सेल करने वाला हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हमने अभी कुछ भी करना है, कहीं पे हेल्पर हायर करना है या कुछ भी करना है इन एमिट, तो हमें जो है वो जाहिर सी बात है पैसे चाहिए चाहिए। सो अभी यहाँ पे तीसरा ट्रेलर मैं खुद लेके नहीं जाऊँगा, तीसरे ट्रेलर जो है वो मैं हेल्पर के हवाले ही करने वाला हूँ। सो मेरे ख्याल से वो ही जो है वो मैनेज कर लेगा तीसरे थर्ड ट्रेलर को। तो यहाँ पे ओके 18,000 कुछ ना, काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे मिल जाएंगे यार इसके भी हमें। तो यहाँ पे अभी हम जो है वो जॉब क्रिएट कर देते हैं बेसिकली एआई की, और क्रिएट अ जॉब डिलीवर करना है हमने। ओके डिलीवर ये हमने करना है जी साउथ वाले को, और यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं जॉब को। तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं जी शॉप के ऊपर, और यहाँ पे ये रही जी हमारी हार्वेस्टर। अबे यार डैम इट, कसम से गाइस मैं सोच रहा था कि ये 4.5 लाख की हार्वेस्टर है, ये तो 4,85,000 की है। ओ भाई चेक करो यार, अब ये जो लास्ट ट्रेलर है ना यही हमारा जो है वो उम्मीदों का सहारा है। सो फिर बेहतर है कि मैं इसको खुद ही ले चलूँ, खुद ही लेके चलता हूँ यार। है अभी तकरीबन हमें 20,000 मजीद चाहिए, ये तो लेने के देने पड़ रहे हैं भाई, ये क्या सीन हो रहा है गाइस। ओ भाई कसम से मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया यार, मुझे लगा था 4.5 लाख की होगी यार, ये 4,85,000 की हार्वेस्टर है यार। इतनी बड़ी मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ कैलकुलेशन में। मे बी गाइस मुझे लगता है इतनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं यार, कंफ्यूजन हो गया बहुत बड़ा। तो जाहिर है गाइस मैं भी आखिर इंसान हूँ, और फिर मैं मल्टीपल सीरीज़ जो है वो खेल रहा हूँ, फार्मिंग सिमुलेटर 22 भी खेल रहा हूँ, 23 भी खेल रहा हूँ, और 23 तो जो है वो दो दो चैनल्स के ऊपर खेल रहा हूँ। तो थोड़ा सा तो गाइज मेरे को एज दो ना कि इतनी की गलती तो बनती है, बट फिर भी गाइज थैंक गॉड कि अभी हमारे पास 5.5 लाख हो गया, वरना अदरवाइज हम अब जो है वो अब मैं क्या बोलूँ, हक दिया था हमने, मैंने बिल्कुल बच गए गाइज बच गए, वरना जो है ना अभी यहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट हो जाना था कि क्या करूं, या तो मेरे को कुछ सेल करना पड़ना था फार्म पे से, या फिर जो है वो सस्ते दामों जो है वो सोयाबीन कनोला जो है वो सेल करना पड़ता, कुछ ना कुछ बारह लाना जुगाड़ करना पड़ना था। बट अब मेरे ख्याल से विदाउट जुगाड़ हमारा जो है वो काम बन जाएगा। सो अभी क्योंकि हमारी सारी की सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो रेडी टू हार्वेस्ट नहीं हुई, तो अभी हम लोग गाइस सिंपली क्या करते हैं कि सीधा एक डे और स्किप मारते हैं। तो स्किप मारने के बाद देखते हैं कि फिर क्या सिचुएशन है। जाहिर सी बात है वो दूसरा फील्ड शॉप के करीब है, तो हम हार्वेस्टर लेके सीधा दूसरे फील्ड में जो है वो घुस जाएंगे। तो यहाँ पे नाइट स्किप करते हैं और इसके बाद हम लोग जो है वो हार्वेस्टर परचेज़ करते हैं। आई जस्ट होप
कि इसके बाद हमारे पास इतने पैसे हों कि हम लोग जो है वो बेल पिकर भी उठा लें, ये ना हो कि ट्रैक्टर से धकेलते हुए हमें जो है वो कॉटन बेल को लेके जाना पड़े कहीं ना कहीं पे। ओके कॉटन हार्वेस्टर ये परचेज़ कर ली हमने, अब हमारे पास हैं 46,000, तो पीछे रह गए जी 20,000। सो मेरे ख्याल से 20,000 में हमारे फार्म के एक्सपेंडिचर या जो भी अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे। सो अभी हम लोग जो है वो खुद चलते हैं किसी, अब रेडी टू हार्वेस्ट हो गए होंगे या क्या सीन होगा? हो गया, यस द कॉटन फील्ड इज़ नाउ रेडी टू हार्वेस्ट, और हम लोग जो है वो हार्वेस्टर सीधी उधर ही लेके जा रहे हैं। तो ये है जी हमारी अब तक की इस सीरीज़ में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, KSIH मॉड्यूल एक्स हार्वेस्टर, जो कि है जी कॉटन हार्वेस्टर। सो इसको अभी हम लोग जो है वो बोनी करने जा रहे हैं इस हार्वेस्टर से बड़े वाले फील्ड में। तो अब मेरे ख्याल से अब टेक्निकली गाइस हमारे लिए जो है वो पैसे अर्न करना थोड़ा ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि जो भी है जैसे भी है कॉटन जो है वो अच्छा भी कर देती है। ठीक है, अब मैंने स्पिनरी परचेज नहीं करी है, और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि स्पिनरी बेसिकली है ना, अगर फिर हम क्लॉथ्स के ऊपर जाते हैं ना तो वो प्रॉफिटेबल तो बहुत है, बट गाइस वो ना बहुत ज़्यादा स्लो भी है। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरा जो है वो प्लान नहीं है क्लॉथ्स के साथ चलने का, तो फ़िलहाल जो है वो मैं ऐसे ही चलना चाहता हूँ, कॉटन सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉटन भी जो है वो इतनी अच्छी प्राइस के ऊपर बिकती है कि आप लोग जो है वो अच्छे खासे पैसे जो है वो अर्न कर सकते हो सिर्फ खाली कॉटन सेल करके। ठीक है, अभी हमने जो है वो फिर आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने जो है वो फिर अभी शीप भी रख ली। सो अब बेसिकली ट्रेलर जो है वो बाय करने के बाद ये जो हमारे पास 20,000 बचे हैं ना, ये मुझे लगता है कि ये सारे हेल्पर्स लोगों ने खा पी जाने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर तो हम लोग जो है वो हेल्पर से ही काम लेते हैं। बट तब तक डेफिनेटली हमारे जो ब्रेड्स हैं वो यानी कि बिल्कुल रेडी टू सेल होंगे। ठीक है, ब्रेड से याद आया यार, वो भी हमने उठा के लेके आ रहे थे, तो वो भी एक अच्छा खासा जो है वो काम रह गया हमारा। तो जल्दी से हम लोग जो है वो ब्रेड अभी मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रोडक्शन बिल्कुल रुकी हुई होगी। ठीक है, तो नहीं हाँ बिल्कुल देखो स्टोरिंग के ऊपर है और ये तकरीबन रेड हुई पड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट रुकने वाली है प्रोडक्शन इनकी, या रुक जाएगी बहुत जल्द। तो अभी हम लोग चलते हैं जी सीधा बेकरी के ऊपर और ये ब्रेड के पैलेट्स जो है वो उठा के लेके आते हैं। तो जल्दी से जो है वो ये वाला ट्रैक्टर कनेक्ट, ये वाला ट्रेलर कनेक्ट करते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। अच्छा कसम से गाइज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे यही लग रहा था थ्रू आउट दी गेम प्ले कि 4.5 लाख की हार्वेस्टर है। सो मैं ना अपने माइंड में उसी हिसाब से जो है वो चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अगर मैं कसम से चेक कर लेता ना कि 4,50,000 की है, तो शायद ये गेम प्ले मैं किसी और डायरेक्शन में ले जाता, तो हार्वेस्टर को जो है वो पेंडिंग कर देता, या इवन मैं जो है वो अभी थोड़ा सा मज़ीद वेट करता, अभी हार्वेस्टर कॉटन का जो है वो सेटअप ना करता। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब हुआ ये है कि बेसिकली हमने जो है वो लिया तो एक तरह से रिस्क ही है, बट ओवरऑल मैनेज हो गया हमारा सारा सिस्टम, और अच्छा हमारा जो है वो यहाँ पे अभी कॉटन का सेटअप भी जो है वो लग चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उठा लेते हैं हम। तो और कोई है पैलेट्स या फिर यही थे? ये ना भाई मैं जाऊँ और आप लोग पीछे से और निकाल दो, हैं तो यहाँ पे अभी वेट कर लेते हैं इनके निकलने का। ठीक है, तो ओके हो गया गाइस, अब ये दो पैलेट्स पड़े हैं, इनको उठा लेंगे जब भी हमारा जो है वो इजी लगा अभी, या जब भी टाइम हुआ, तो ये दो जो बाकी के पैलेट्स बचे हैं इनको भी उठा लाएंगे। सो फिलहाल ये जो हमने पिक किए हैं इनको लेके चलते हैं और स्टोर करते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया होगा। तो गाइज मेरी अभी बेसिकली कोशिश ये होती है कि कट्स बेशक लगते हैं तो लग जाएं, लेकिन गेम प्ले का ना कोई मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस सिंपल सी एक रैंडम सी 20 या 25 या 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करूं और उसमें जो कर पाऊं करूं, बाकी जो है वो अगले गेम प्ले पे छोड़ दूँ। तो
तो अब मैंने थोड़ा सा ना अप्रोच अपनी चेंज की है। सो अब मैं तकरीबन पर्सनली ये गेम जो है वो 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को प्रोबेबली ये गेम प्ले नज़र आएगा 15 मिनट का, 20 मिनट का मैक्सिमम, या 25 मिनट का। सो लेकिन बिहाइंड द सीन अब मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ और आप लोगों को साथ साथ अपडेट भी करता जाता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आज का गेम प्ले मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। होपफुली अगले गेम प्ले में कार्टन ये हार्वेस्ट कर चुका हूँगा मैं, और या फिर शायद मैं यहीं से ही स्टार्ट कर लूँ। अदरवाइज़ होगा ये कि ये कॉटन हार्वेस्ट हो चुकी होगी और कनोला हार्वेस्ट हो चुका होगा, और शायद मैं कोई अगली क्रॉप भी जो है वो प्लांट कर चुका होगा। सो एनीवेज़ लेट्स सी अगले गेम प्ले में क्या बनता है। आई होप कि आपको गेम प्ले पसंद आएगा। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।